का बर्थडे आज, ये देखो पीली टी-शर्ट में जानवर है, इसका बर्थडे आज। वेलकम टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। अभी जो जा रहा हूँ इस मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि आज पहला सोमवार है सावन का, तो मंदिर में बहुत भीड़ रहेगी, कसम से बता रहा हूँ, उसमें भीड़ ही रहेगी। तो कुछ पुजारी जी की हेल्प कर देंगे और मंदिर में भी कुछ अपना सेवा दे देंगे। चलो गाइस, चलो चलते हैं अब मंदिर की ओर। बस सामने मंदिर है, देखो शिव जी हमारे। तो अगर आपको फूल वूल चाहिए देखिए, तो सब चीज़ की व्यवस्था है, आओ और ले जाओ। हर चीज़ की व्यवस्था है, ये देखो ये जो है बहन जो है बेच रही है, देखो फूल वूल पत्थर बेच रही है। चलो डर सुबह चल चलते हैं अब मंदिर की ओर। देखो आप लोगों को पहले कितना समझाया मैंने कि चप्पल ना ऐसे मत उतारा करो जानवरों की तरह, जो जानवर नहीं हो तो ऐसे उतार कर फेंक दिया कहीं पर भी, तो ऐसा ना करें कृपया करके। निकलो अंदर। अच्छा लो, ये जानवरों की तरह कपड़े मत उतारो मेरे चप्पल। चलो पूजा करना है तो अब थोड़ी देर हम ही बैठेंगे, तो थोड़ी देर क्या मैं 2-4 घंटे ही बैठूंगा आज, थोड़ी पंडित जी की हेल्प कर दूं। तो वो जो मैंने ले लिया बिस्कुट, अब खिलाएंगे। चलो लेट्स गो। चलो मंदिर बैठ के खिलाते हैं, मंदिर में क्या बाहर ही खाऊंगा। और ये चप्पल से चप्पल यार ऐसे मिल रही है, छोड़ जाते हैं आप। ये देखो आया, पहले इनको खिला दो फिर मैं चाय पीऊंगा। मस्त मस्त चाय पीएंगे, मैं बैठ के खिलाते हैं। आजा ऊपर, कहाँ चढ़ी जा रही है। बहुत ही तगड़ी भीड़ अंदर, जब खत्म होने वाला है थोड़ी देर और रह गया है, मतलब आधा घंटा और मुश्किल से 1 घंटा होगा। पंडित जी कितना देर रहेगा और? 1 घंटा रहेगा गाइस, बस फिर समाप्त हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी भीड़ है मंदिर में, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है आज, मतलब भीड़ क्या है यहाँ पे पता नहीं है तुम्हें। ये देखो आप एक छोटी प्यारी सी बच्ची से मिलाता हूँ, ये देखो प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? नाम भी नहीं बता रही। देखो ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। चलो कोई बात नहीं, अब बैठते पत्थर बांधते हैं। अभी जो खत्म हो गया, मैं देख रहा हूँ या कुछ मिल जाए। अरे ब्लर हो गया। हाँ देखो पंडित जी लगा रहे टीका, पंडित जी टीका लगा रहे हैं। पंडित का काम सही है, मस्त टीका ही लगाओ और आशीर्वाद पत्र। बाय बाय। जो है यार बहुत थक गया मैं सुबह के, मतलब 7 बजे 7:30 बजे आया हूँ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पूजा कर, मतलब पूजा कह रहा हूँ, साफ सफाई हो रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में गंदगी के फैला फैला के चले गए, बताओ कि पूजा करने आए गंदगी फैलाने आए। देखो मतलब थैला वैला पन्नी वन्नी जो मिला सब गंदगी फैला के चले गए, दिखा दो आपको। ये देखो ये होता है पूजा, ये होता है पूजा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पर पूजा कर रहे हैं भैया, कम से कम साफ सफाई तो रखो। और देखो और दिखाता हूँ, अभी तो साफ सफाई हो गई है। तो ये देखो ये सब उठा लेता हूँ, सब मिलेगा। ये पंडित जी हैं, ये देखो ये बहुत मेहनत किया, समझा के थक गए। देखो बताओ आपको क्या सीन है, यहाँ पे देखो ये पानी यहाँ कर दिए, बताओ ये देखो सारा पानी यहाँ जा रहा है। अब देखो ये देखो अभी तो साफ किया हम लोगों ने, तब जाके साफ हुआ। ये देखो पानी, बताएं यहाँ क्यों पानी डालने का सिस्टम है, बताने जरा यहाँ पे पानी क्यों डाल रहे हैं सब। ये देखो मतलब मंदिर ने कचरा घर बना दिया। तो मैं आपको कह रहा हूँ कुछ होने वाला नहीं है इससे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, भगवान उसी से खुश होते हैं जो मतलब साफ सफाई रखता है, लोगों की हेल्प करता है।
भगवान ये नहीं करता कि तुम आके यहाँ पे 50 घंटे बिता हो। ये देखो कितने समझा। तो अभी साफ सफाई करके चलूँगा घर यार, फिर ब्लॉग एडिट करनी है मुझे। ये देखो ये देखो भैया मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे। अभी दिखा रहा हूँ जब ब्लॉग तो कर लो शूट। अरे दिखा रहा हूँ महाराज। तो गाइज आज जो है मतलब सॉरी कह रहा हूँ, इस्कॉन टेम्पल का आएगा देख लेना, और ये वाला ब्लॉग कल डल जाएगा मतलब अगले दिन। तो ये जो दिख रहा है बड़ा सा गेट, इसके पीछे कावड़, जो कावड़ लोग आते हैं, आज के जो सावन चल रहा है सब कावड़ वाले यहीं का आगे रखते हैं। देखो कावड़ दिखा दो, पुराने कावड़ है कि नहीं का, तो वो तो हटा दिया गया, तो यहीं पर एक दो मतलब था कुछ दिन पहले तब हटा दिया गया है। ये देखो हीरा मंदिर। अरे मैं क्यों कहूँगा झूठ, झूठ मैं झूठ बोलता नहीं, मेरे अंदर ये मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो होता रियलिटी होती है। तो अरे मैंने देखा ना वहाँ पे कावड़ के वो रखे रहते हैं, मैं देखा था तब मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा। तो ये तो आज अभी जो है हो रहा है कुछ भैया का ये प्रसाद है, तो कुछ कर रहे हैं। क्या भैया क्या काम है? होटल होटल खोले हुए हैं। मैं यूट्यूबर हूँ, फूड ब्लॉगर कर दूंगा आपको ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पे भैया का जो होटल है अभी खोला इन्होंने। हो गया, हमने नींबू पानी बनाया है, देखो नींबू पानी इसमें डाला है। ये देखो क्या डाला है, ये मौसमी जो प्रसाद मिला था मंदिर में, मौसमी डाला हूँ, नींबू डाला हूँ, चीनी, काला नमक, वाटर, कोल्ड वाटर, बर्फ़ वाला एकदम बर्फ। और ये अभी लाए पानी, और आपका भाई रिफ्रेशमेंट ले रहा है, सोच रहा है व्रत रख लूँ, रख क्या लूँ, ले ली व्रत हूँ मैं, क्योंकि आधा दिन तो निकल गया, 2:30 बज गया। तो बाय गाइस, मिलते थोड़ी देर पी पा के, लव यू, टेक केयर, हर हर महादेव। पहले मैं कई बार लाइफ में देखो मोर पंख बनाया, बड़ा मजा, पहले त्रिशूल बना रहा था भगवानी, अब मोर पंख बना रहा हूँ, देखो एक नंबर मोर पंख लग रहा है कि नहीं। कदम से मजा आ गया, सच्ची बता रहा हूँ, मस्त लग रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो गाइस अब जो है गाय को खिलाएंगे ब्रेड, तो गाइस को खिलाते हैं, अब बनाओ कैसे भी तो खिलाओ कैसे, तो कोई बात नहीं उसको हम खिलाते हैं ऐसे करके। तो अब खिला देते गाइस, अरे खिला के मिलता हूँ गाइस, तो आपको मतलब आपसे खिला के मिलता, बाय गाइस। देख रहे हो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, आप बताओ क्या नाम है डुग्गू तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है बताओ, बताओ कैमरे बताओ क्या नाम है आपका? दुद्दू नाम है। तो गाइस ये है मेरा भतीजा है, मतलब भतीजे जैसा ही है ना, मैं आपका क्या हूँ, चाचू, चाचू हूँ। तो चाचू किस चीज़, तो जल्दी से जल्दी, तो किस चीज़ दुकान पे, अरे शर्मा आ रहा गाइस। चलो अब चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं इसकी दादी के पास, दादी जो है इसकी पार्क में ही है, आगे बैठी हुई है। तो तुम्हें क्या पसंद है, पिज्जा? तो इसकी दादी यहाँ बैठी हुई है। तो चलो भाई चले चलते हैं, उतरा डुग्गू उतरो, चलो आह ये डुग्गू, डुग्गू हाई कर दो, हाई करो, हाई करो, हाँ ऊपर इधर कैमरे में गिव मी हाई फाई, बाय बाय डुग्गू बाय। चलो भाई चलते हैं घर की ओर, डुग्गू को देते हैं, लो डुग्गू, डुग्गू लो दो, बाय करो, बाय करो जल्दी से, बाय, चलो आ जा। हाँ अनिल चाचू को, अरे भाई अनिल चाचू को बोलना है सागर चाचू दिए हैं, यूट्यूबर है। तो हेलो, आशा करता हूँ गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा। और मैंने जो है मिनी शॉर्ट ब्लॉग डालना शुरू कर दिया है, वो आएगा 9 बजे 10 बजे के बीच में। तो बाय गाइस, थैंक यू, लव यू, आशा करता हूँ आप खुशल मंगल रहें, अपने जीवन में खुश रहें और मस्त रहें, और
इस सावन माह में और आप हमेशा खुशी रहें। बाय गाइस, लव यू, हर हर महादेव।